ब्राह्मण पूजन कर उन्हें दक्षिणा अर्पण करें व नमस्कार करें। सूर्यास्त के उपरांत तुरंत ध्वज उतारें। जिस भाव से हम ध्वज खड़ा करते हैं उसी भाव से उसे उतारें तो ही जीव को उससे चैतन्य की प्राप्ति होती है। आइए देखते हैं ब्रह्मध्वज उतारने की प्रत्यक्ष कृति। ब्रह्मध्वज उतारते समय परिवार प्रमुख ध्वज पर हल्दी कुमकुम चढ़ाएं व उसे नमस्कार करें। ध्वज को गुड़ अथवा अन्य मिष्टान्न का नैवेद्य निवेदित करें। परिजनों सहित प्रार्थना करें। हे ब्रह्मदेव, हे विष्णु, दिन भर में इस ध्वजा में जो शक्ति समाई है वह मुझे प्राप्त हो। इस शक्ति का राष्ट्र व धर्म के कार्य में उपयोग कर सकूं, यही आपसे प्रार्थना है। ध्वज उतारने पर उस पर चढ़ाई सभी सामग्री दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं के साथ रखें। प्रतिदिन पीने का पानी भरने के लिए कलश का प्रयोग करें। उसमें लगाया वस्त्र अपने वस्त्रों में रखें। ध्वज पर चढ़ाए हुए पुष्प व पत्र बहते पानी में विसर्जित करें। चढ़ाया गया नैवेद्य अंत में परिजनों में बांटकर ग्रहण करें।